हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक सावंत। वेलकम टू यू टू माय चैनल बायो फॉर नीट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 6 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चैप्टर 6 में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बच्चों, के जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, विच इज कॉमनली नॉन एज HGP, जिसको हम जनरली शॉर्ट में HGP बोलते हैं। सो HGP का मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ फ्रेंड्स, कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, सो काफी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो अगर देखा जाए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, या तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था। सो फर्स्ट जो बात आती है, तो वो क्या है कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, याद रखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ इंटरनेशनल एफर्ट। इट इज इंटरनेशनल एफर्ट, मतलब कि बहुत सारी कंट्री ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिया था, देयरफॉर इसको हम इंटरनेशनल एफर्ट भी बोलते हैं। And this project was started in the year 1990. ये काफी important point से हमारे लिए कि ये जो project है, Human Genome Project, so it was started in the year 1990 by the some molecular biologist. बरोबर, कुछ molecular biologist ने इस project को start किया था, अमेरिका के, USA के कुछ molecular biologist ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था टू मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम। बराबर, के क्यों स्टार्ट किया था कि टू मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम, जो पूरा ह्यूमन जीनोम होता है उसको मैपिंग करने के लिए यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इन 1990 में। अब कैसे मैपिंग किया था, सो बाय डिटरमाइनिंग द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ DNA ऑफ ईच क्रोमोजोम। सो फ्रेंड्स, याद क्या रखना हमको कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि इट वॉज इंटरनेशनल एफर्ट विच वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1990 बाय द सम मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट टू मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम, टू मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम, कैसे, बाय सीक्वेंस, कि जो कंप्लीट जो ह्यूमन के जो क्रोमोसोम होते हैं, देर आर 24 क्रोमोसोम। ऐसे तो अगर देखा जाए तो मेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती है, फीमेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती है। सो टोटल अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम देखते हैं ना, तो 24 क्रोमोसोम, ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, 24 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस एक्स क्रोमोजोम एंड प्लस वाई क्रोमोजोम। तो अगर देखा जाए तो 24 क्रोमोजोम। तो यहां पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया क्या था कि जो ये जो 24 क्रोमोजोम है, ये 24 क्रोमोजोम के जो डीएनए है, बरोबर, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर थी, उसकी सीक्वेंसेस को, मतलब उसकी सीक्वेंस बनाई गई थी। So that is the mapping, which is commonly known as a mapping. Understood? Now, अब question दूसरा जो आपको नेट में पूछा जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। सो दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 1990। याद रखना है, अगर डेट वाइज अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन भी आपकी नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन से साल में और कब स्टार्ट हुआ था।
सो इट वॉज स्टार्टेड ऑन द 1 अक्टूबर 1990। किसने स्टार्ट किया था? बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को 3 साल के बाद, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में स्टार्ट हुआ था, इसको 3 साल के बाद मींस के 1993 में यूके का एक ग्रुप था जिसको हम बोलते हैं वेलकम ट्रस्ट ने ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है विच वॉज स्टार्टेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, बरोबर, इसको वेलकम ग्रुप यूके का जो वेलकम ग्रुप था, सो उसने इसको 1993 में ज्वाइन किया था एंड देन इसके बाद इसको जर्मनी ने भी ज्वाइन किया। इस प्रोजेक्ट को जर्मनी ने ज्वाइन किया, जापान ने ज्वाइन किया, फ्रांस ने, एंड देन चाइना। सो देयरफॉर इसको हम इंटरनेशनल एफर्ट बोलते हैं। सो अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट के अंदर कितनी कंट्री इन्वॉल्व हो गई? यूएसए इन्वॉल्व हो गए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड चाइना। ओके नाउ सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, बरोबर, जो आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें से काफी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा। सो आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा। ओके नाउ ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था? सो दिस प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर 2003। मतलब स्टार्ट कब हुआ ये? So, 1990 में ये स्टार्ट हुआ एंड ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ 2003, मतलब आफ्टर 13 इयर्स 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, बरोबर, उसको 1993 में वेलकम ग्रुप जो है यूके का उसने ज्वाइन किया था। देन बहुत सारी कंट्री ने इसको ज्वाइन किया, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना, इन्होंने ज्वाइन किया, बरोबर, देयरफॉर इट इज अ इंटरनेशनल एफर्ट। और हमारा उद्देश्य क्या था? मतलब ये जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया था इसका हमारा मतलब के जो एम क्या था? सो दैट इज द मैपिंग, मैप करना था। मैप कैसे? बाय डिटरमाइनिंग द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बेस या तो कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम। ओके सो नाउ ये हमने कुछ बेसिक नॉलेज हमने देखा मतलब कि ह्यूमन जीनोम के बारे में। नाउ जो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर्स जो आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में भी आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक्स में भी साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये। पूरा एनसीईआरटी का आपको याद कर लेना है पूरा एनसीईआरटी का, क्योंकि इसमें से बच्चों हर साल नीट एंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कुछ हम फीचर्स की बात करते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये आता है कि लाइक जिसके ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर थे? सो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए कि ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर, जो हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ क्वेश्चन है। 3 बिलियन बेस पेयर मतलब कि 3×10⁻⁹ बेस पेयर, यही का यही क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है। सो यही का आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके ऊपर आप टिक कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जाता है और शायद पूछा भी जाएगा कि ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर,
3 बिलियन बेस पेयर होती है, दैट इज द 3×10⁻¹ बेस पेयर। अंडरस्टूड? नाउ अब हम देखते हैं इसके कुछ साइलेंट फीचर्स जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड की एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा साइलेंट फीचर्स है वो ये है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम दैट इज द 3,164.7 मिलियन। बरोबर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों कि ह्यूमन जीनोम के अंदर कितनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस है। सो याद रखना है कि देर आर 3,164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। बरोबर, ह्यूमन जीनोम के अंदर इतनी बेसिस होती है। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सेकेंड जो आपका पॉइंट है कि एवरेज जीन, लाइक जैसे हम देखते हैं ना कि देर आर 30,000 जीन्स, बराबर, अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन जीनोम के अंदर 30,000 जीन्स है, 30,000 जीन्स है, जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे। सो नाउ ये जो जीन्स है तो एवरेज हर एक जीन्स के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि देर आर 3,000 बेसिस अप्रोक्सीमेटली। याद रखना है कि एवरेज जीन हैज 3,000 बेसिस, कोई भी जीन्स होगा तो उसमें एवरेज 3,000 बेसिस तो होंगे। बरोबर, नाउ दूसरा एक जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में काफी बार पूछा जाता है या तो बोर्ड के एग्जाम में, तो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन्स कौन सा है, जो 30,000 जीन्स है, देर आर 30,000 जीन्स इन ह्यूमन जीनोम, उसमें से जो लार्जेस्ट जीन्स है, बरोबर, सो दैट लार्जेस्ट जीन्स, ह्यूमन लार्जेस्ट जीन्स इज डिस्ट्रोफिन। ये आपको लिख लेना है नीट के लिए, ये नीट के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम विच कंटेन, जिसके अंदर कितने बेस है, कितनी बेस है, सो देर आर 2.4 मिलियन बेसिस किसके अंदर है, डिस्ट्रोफिन के अंदर। सो डिस्ट्रोफिन बच्चों क्या हो जाएगा, सो डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन्स, जो 30,000 जीन्स है टोटल ह्यूमन जीनोम के अंदर, जो 30,000 जीन्स है उसमें से जो सबसे बड़ा जीन्स है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। सो डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा जीन्स है क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा 2.4 मिलियन बेसिस होती है, 2.4 मिलियन बेसिस, तो ये सबसे लार्जेस्ट जीन्स हो गया। बराबर, नाउ दूसरा हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीन्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर 30,000 जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, यू नो ह्यूमन जीनोम के अंदर 30,000 जीन्स होते, ह्यूमन जीनोम्स के अंदर 30,000 बेस होते, सॉरी जीन्स होते, नॉट बेस, जीन्स, याद रखना है 30,000 जीन्स, यहां पे मिस्टेक नहीं करना है। पहले ऐसा माना जाता था कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 80,000 से लेके 140,000 जीन्स होते, बट अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमको मालूम पड़ा कि देर आर 30,000 जीन्स इन ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम के अंदर 30,000 जीन्स होते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, जैसे हमने देखा कि 30,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, अब ये 24 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं आपके, बरोबर, तो ये जो पूरे 30,000 जो जीन्स है ये आपके 24 क्रोमोसोम के अंदर होते हैं और इस जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होती है। अंडरस्टूड? सो नाउ ये जो 24 क्रोमोसोम है इसमें से जो क्रोमोसोम आई है हमारा, बराबर, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, सो क्रोमोसोम आई कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए कि जो क्रोमोसोम आई है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स है, मैक्सिमम नंबर मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स क्रोमोसोम आई के अंदर है, और वो कितने नंबर ऑफ जीन्स है, दैट इज द 2968
2968 सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम वाई के अंदर, क्रोमोसोम वाई। सो क्रोमोसोम वाई कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स, जस्ट 231 जीन्स। सो याद रखना है, क्रोमोसोम वाई कंटेन जस्ट 231 जीन्स। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं कि ये जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने बनाया, मतलब के स्टार्ट किया, और इससे हमको मालूम पड़ा कि ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल 30,000 जीन्स होती है, और ये 30,000 जीन्स के अंदर देर आर 3,164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है। ये सब किसके अंदर होता है? 24 क्रोमोसोम के अंदर। 24 मतलब 22 हमारे ऑटोसोम्स होती है, और बाकी के एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, जो वाई क्रोमोसोम मेल के अंदर होता है उसकी हम बात करते हैं, जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ बेसिस होती है, मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स होती है, सॉरी, बराबर। वो कितने होते हैं? जस्ट 231। सो इतने सारे जो हमारे जीन्स है, इतने सारे जो जीन्स है, तो ऑलमोस्ट ऑल अबाउट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। हम सब के जीन्स की अगर हम बात करें तो हम सब के जीन्स में 99.9% ऑलमोस्ट 99.9% हम सब की न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम होती है, हम सब की न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम होती है। अंडरस्टैंड? जो डिफरेंस होता है वो जस्ट 0.1% डिफरेंट होता है, मतलब कि 0.1% डिफरेंट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड बेस, जो हम सब में वेरिएशन होता है, जैसे कि वी आर डिफर फ्रॉम ईच अदर ना, हम सब लोग एक दूसरे से अलग है, तो इसका रीजन क्या है? कुछ हमारे अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो हमारे ये जो 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है हमारे डीएनए के अंदर, बरोबर, ये डिफरेंट होती है, इसके लिए हम सब लोग इंडिविजुअली डिफरेंट है, जस्ट 0.1%। और ये जो 0.1% जो डिफरेंसेस है न्यूक्लियोटाइड बेसिस की, दिस इज यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सो अभी बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके सो बच्चों नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, कि हम बात कर रहे थे साइलेंट फीचर्स ऑफ एचजीपी। एचजीपी का मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो जो हमारा 6 नंबर का जो साइलेंट फीचर्स है वो ये है कि फंक्शंस ऑफ मोर देन 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर नॉट नोन। इसका मतलब ये होता है कि लाइक जैसे हमने क्या देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमको ये मालूम पड़ा कि देर आर 30,000 जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। पहले माना जाता था 80,000 होते या तो 140,000 जीन्स होते, ऐसा माना जाता था, और इस जीन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस कितनी होती है? 3,164.7 मिलियन। नाउ तो ये जो 30,000 जीन्स है, सो ये 30,000 जीन्स में से जो हमने ढूंढे हुए, डिस्कवर किए हुए ना जीन्स के ह्यूमन जीनोम के अंदर, तो इसमें से मोर देन 50% जो जीन्स है उनका फंक्शन अभी भी हमको मालूम नहीं है। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या लिखा है कि फंक्शन ऑफ मोर देन 50% ये जो है ना, मतलब कि जितने हमने जीन्स ढूंढे उसमें से 50% डिस्कवर जीन्स का फंक्शन अभी तक हमको मालूम नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेकअप मेजर पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझने के लिए, बरोबर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइक जैसे कि मोर देन अप्रोक्सीमेटली अबाउट 99.9%
जो न्यूक्लियोटाइड की बेस होती है वो ऑल ह्यूमन के अंदर सेम होती है, जो डिफरेंस होती है वो 0.1% होती है, 0.1%। तो वो जो 0.1% होती है ना, वहां पे कुछ न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसेस होती है वो रिपीटेड होती है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हो ना वो रिपीट होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो तो ऐसा हो सकता है कि ATTGA, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है ये पर्टिकुलर सीक्वेंसेस ये बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेक अप मेजर पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम मतलब कि हमारा जो जीनोम है उसमें से सिर्फ सिर्फ 2% या तो उससे भी कम के पास प्रोटीन बनाने का कोड होता है। जैसे हमको मालूम है ना कि डीएनए का काम क्या होता है, तो डीएनए कैरी जीनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो जीनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, बराबर। नाउ तो ये क्या होता है, मतलब कि डीएनए के पास प्रोटीन, जो हमारे सेल सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनते हैं ना, हर एक सेल का स्पेसिफिक प्रोटीन होता है बराबर, जो सेल को सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है, तो वो प्रोटीन बनाने का जो कोड होता है वो डीएनए के पास होता है, वो प्रोटीन बनाने का कोड जो होता है वो डीएनए के पास होता है बराबर। कौन से फॉर्म में होता है, जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस होती है, जैसे कि ATT या तो GCC, ऐसी न्यूक्लियोटाइड की बेस होती है बराबर। तो ऐसी हमने देखा ना, तो ऐसी 3164 बेसिस है, मिलियन बेसिस है बराबर, 30,000 जीन्स के अंदर। नाउ बट इसमें से सिर्फ लेस देन 2% भी नहीं, लेस देन 2% के पास ही कोड होता है फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस, जो राइबोसोमल आरएनए के ऊपर जो प्रोटीन सिंथेसिस बनता है, तो उसके लिए जो कोड होता है, पर्टिकुलर प्रोटीन बनने के लिए जो कोड होता है वो डीएनए के पास होता है। तो सिर्फ 2% ही मतलब 2% जो न्यूक्लियोटाइड होता है उनके पास डीएनए का प्रोटीन बनाने का कोड होता है। तो आप देखोगे ना तो 98% तो जो है वो यूजलेस है, बट ऐसा नहीं है कि उनका कोई मतलब नहीं है। ये जो होता है ना, जो बेस मतलब हमारे जैसे मेरे और आपके जो डीएनए होगा उसमें कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड बेस जो होगा ना वो सेम होगा, ऑलमोस्ट 99.9% सेम होगा, बट 1% डिफरेंस होगा। हाँ, मेरे और मेरे फादर का सेम होगा, अंडरस्टूड। तो वो जो 0.1% होता है ना, सो उसमें से ज्यादातर आप देखोगे ना तो रिपीटेड होता है, मतलब रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेकअप मेजर पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन तो रिपीटेड सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है, और ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है न्यूक्लियोटाइड की बराबर, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है ये समटाइम कभी कभी 100 से लेके 1000 भी रिपीटेड होती है। जैसे कि आप देखते हो तो ATTGA, ये कभी कभी 100 टाइम होगा या तो 1000 टाइम्स भी हो सकता है अलग अलग लॉकी पे, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि द रिपीटेड सीक्वेंसेस आर नोन टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। जिसे हमने देखा कि हमारे जो डीएनए के अंदर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है बराबर, जो कोडिंग होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन बराबर, कोडिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के सपोज ये हमारा डीएनए है, सपोज दिस इज डीएनए, तो ये डीएनए में आप देखोगे ना तो मैक्सिमम तो नॉन फंक्शनल डीएनए, मतलब कि मैक्सिमम जो सीक्वेंसेस है वो नॉन फंक्शनल है, मतलब कि दे डोंट हैव एनी कोड फॉर डीएनए सिंथेसिस, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इनके पास कोई कोड नहीं है, तो ये नॉन कोडिंग हो जाएंगे बराबर। तो जिनके पास कोड है प्रोटीन बनाने का, जिनके पास कोड है वो तो डीएनए का जस्ट लेस देन 2% है जिनके पास कोड होता है। तो अगर हम टोटल डीएनए को देखेंगे ना, तो हम टोटल डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस कोडिंग सीक्वेंसेस होती है और कुछ सीक्वेंसेस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है बराबर। कोडिंग सीक्वेंसेस डीएनए की वो सीक्वेंसेस होती है कि जिनके पास कोड होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ऑन राइबोसोम,
और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस वो होते हैं कि जिनके पास कोई डीएनए कोडिंग नहीं होता है, मतलब सॉरी प्रोटीन कोडिंग नहीं होता है, मतलब दे डोंट हैव एनी कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनके पास प्रोटीन बनने का मतलब दे डू नॉट कैरी एनी जीनेटिक इंफॉर्मेशन। सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग कोई भी जीनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर रहे, अंडरस्टूड? हाँ, बट इनका डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये बनाने में इनका काफी हाथ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है तो इनका कोई काम नहीं है। एक तो ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होता है, हाँ, जो कोडिंग होता है, कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब कि डीएनए की वो सीक्वेंसेस जिसके पास प्रोटीन बनाने का कोड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, डीएनए की नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस वो होती है कि दे डू नॉट हैव एनी कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स, बराबर, दे आर कॉल्ड इंट्रॉन्स। सो ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, दे डू नॉट हैव एनी कोड फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस, मतलब कि दे डू नॉट कैरी एनी जीनेटिक इंफॉर्मेशन, ये कोई भी जीनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते, बट दे टेक पार्ट इन द डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर वेरिएशन, इन सब के अंदर, हमारे अंदर, हम सबके अंदर कुछ न कुछ, एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक कैरेक्टर्स, हर एक इंडिविजुअल का यूनिक कैरेक्टर्स होता है, बर? तो ये जो यूनिक कैरेक्टर्स होता है, मेरा कोई यूनिक कैरेक्टर्स होगा, आपका कोई यूनिक कैरेक्टर्स होगा, वो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की वजह से ही होता है, और यही हमारे अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं, बर? मतलब इनका जैसे डिंगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा डीएनए निकालते हैं, जैसे हम सीआईडी सीरियल में देखते हैं तो वहां पे जो डीएनए निकाला जाता है, तो वो यहाँ पे ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होता है उसको ही ध्यान में रख के किया जाता है। बाकी तो 99.9% हम सबका डीएनए सेम ही होगा, तो जो डिफरेंस होगा, बराबर, वो इसके अंदर होगा, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है इंट्रॉन्स, उनके अंदर होता है, बराबर। जो हम अलग लेक्चर जो हमारा बनेगा वीडियो लेक्चर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके अंदर हम अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके? नाउ दूसरा जो है आपका वो है अबाउट 1.4 मिलियंस लोकेशन हैव बीन आइडेंटिफाई वेर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर इन ह्यूमन जीनोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से, बराबर, के जो ह्यूमन जीनोम होते हैं, तो ह्यूमन जीनोम के अंदर, बराबर, ऐसे जीन्स के अंदर ऐसी बहुत सारी प्लेसेस ढूंढी गई है जिसको हम लोग कैसे बोलते हैं लॉकी, दैट इज जनरली नॉन एज ए लॉकी। सो ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशन होता है जहां पे ह्यूमन जीनोम के अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन होता है जहां पे जस्ट सिंगल बेस ऑफ डीएनए डिफरेंट होता है, सिंगल बेस ऑफ डीएनए डिफरेंट होता है। और बच्चों ये जो लॉकी होते हैं, ये जो 1.4 मिलियन, हमने क्या देखा कि ह्यूमन जीनोम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन लोकेशन होते हैं जहां पे जस्ट सिंगल डीएनए बेस पे डिफरेंस होती है, और ये जो लोकेशन होता है, ये लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बराबर, कि हम इसी लोकेशन को ध्यान में रख के हम जो वो जगह हम ढूंढते हैं जहां पे डीएनए सीक्वेंसेस डिफरेंट होती है, वो जगह हम ढूंढते हैं जहां पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस होती है, बराबर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीनेटिक डिसऑर्डर, जो जीनेटिक डिसऑर्डर पैदा करते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स होता है, डायबिटीज होता है, अल्जीमर्स होता है, कैंसर होता है, तो ये यहाँ पे ही होते हैं। तो इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा कौन सा लोकेशन है डीएनए पे, क्रोमोसोम पे, ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पे हमारे लाइक जैसे किसी पर्सन है कि वी सफरिंग फ्रॉम अल्जीमर्स डिजीज, तो वो जो अल्जीमर डिजीज प्रोड्यूस करने वाला जो न्यूक्लियोटाइड बेस होती है, बराबर, वो कौन से लोकेशन पे होती है वो हमको मालूम पड़ जाती है, बराबर। तो हम जीनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी ये ट्रीटमेंट, मतलब ये जो नॉलेज हमको मिला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ये हम ये एप्लीकेशन कर सकते हैं टू ट्रीट द जीनेटिक डिसऑर्डर, और धीरे धीरे हम कर भी रहे ना, कुछ हमको जीनेटिक डिसऑर्डर से मतलब कैसे ट्रीट किया जाए वो इंफॉर्मेशन हमको मिलती जाती है, बराबर, मतलब वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके? सो स्टूडेंट, यहाँ पे आज जो हमने देखा वो हमने देखा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम,
जो बोर्ड के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही के यही जो हमने डिस्कस किए, यही के यही टॉपिक आपका पूरा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं वापस आपको बताता हूँ बच्चों कि ये जो टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एंड नीट एग्जाम। सो इस टॉपिक को आप सीरियसली अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड टेक केयर।